इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इनकम टैक्स का लॉगिन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए चार तरीके हैं, तो हम चारों तरीके डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे YouTube चैनल सी एस सुखबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। सबसे पहले हम पहला तरीका जानेंगे, तो उसके लिए आपको incometax.gov.in वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लॉगिन दिया गया है। यदि आपने अभी तक लॉगिन नहीं बनाया है तो पहले रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। तो जब आप incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी एंटर करना होता है, तो आप यहाँ पे पैन नंबर अपना एंटर करेंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आप पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे। तो पासवर्ड एंटर के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि ई फाइलिंग का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, टैक्स डिफरेंट टैब्स आएंगी। तो ये पहला तरीका है लॉगिन करने का। दूसरा तरीका लॉगिन करने का जो कि इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकते हैं, वो है आधार कार्ड। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे यूज़र आईडी में, यदि आपका आधार पैन से लिंक है तो आपको पैन नंबर यहाँ पे एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। आप आधार नंबर के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप नेट बैंकिंग के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं, जिस केस में कि आपको पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे नेट बैंकिंग की ऑप्शन दी गई है, तो आप इस पर प्रेस करेंगे, जिसके बाद कि आप चूज़ कर सकते हैं अपना बैंक। यदि आपका कोई और बैंक है जो कि यहाँ पर लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे से चूज़ कर सकते हैं लिस्ट में से। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके लिस्ट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी इंडिया के बैंक यहाँ पे कवर्ड हैं। तो जैसे कि हम SBI के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, तो उस केस में आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा SBI की वेबसाइट पे। आपको कंटिन्यू करना होता है, तो उसके बाद आप अपनी बैंक में लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे SBI में लॉगिन कर रहा हूँ, कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड अपना एंटर करेंगे जो आपके नेट बैंकिंग का है। उसके बाद आपको अपने बैंक की जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ई पे टैक्स की जो टैब है वो ओपन कर सकते हैं। ये बैंक टू बैंक डिफर कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग ई टैक्स में गए हैं SBI में। यहाँ पे देखिए लॉगिन टू ई फाइलिंग ई वेरीफाई ये लिंक दिया गया है। तो आपका जो बैंक है उसमें आपको इस प्रकार का लिंक जो है वो चेक करना है। आप क्विक लिंक्स के अंदर भी देख सकते हैं लॉगिन टू ई फाइलिंग ई वेरीफाई का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप बिना पासवर्ड किए हुए डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, नेट बैंकिंग भी आपके पास नहीं है, तो उस केस में भी आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं इनकम टैक्स के। इसके लिए आपको ईमेल करनी होती है ई फाइलिंग वेब मैनेजर @incometax.gov.in पे, जहाँ पे कि आपको अपने पैन की कॉपी भेजनी है। इसके अलावा अपना आइडेंटिटी प्रूफ भेजना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्स्ट्रा, और स्कैन कॉपी अपने एड्रेस की भेजनी है, और एक रिक्वेस्ट लेटर जो राइटिंग में आप साइन करके भेजेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट साइंड होने चाहिए और आप जीप फॉर्मेट में भेजेंगे। तो इस प्रकार आप पासवर्ड को रीसेट करवा सकते हैं। इसमें कम से कम एक वर्किंग डे लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जो पासवर्ड है उसे रीसेट कर देता है। आप इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स के लॉगिन से रिलेटेड या ITR फाइलिंग से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके आप प्ले लिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की है ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।